हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट का पूछना ये था कि सर हमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मॉक टेस्ट एग्ज़ाम का तो आ गया है, लेकिन जो हमारा फाइनली एग्ज़ाम है, कुछ लोगों का 24 से, कुछ लोगों का 28 से है जो एमकॉम वाले हैं, तो दोस्तों उनका कहना है कि वो फाइनल एग्ज़ाम का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से कब आने वाला है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत कम टाइम का ही वीडियो होगा। लेकिन अब वीडियो चालू करने के पहले, अगर आप भी चाहते हो इसी तरीके से एजुकेशन अपडेट रिलेटेड वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपके यूज़र आईडी एंड पासवर्ड की, जो आपके एग्ज़ाम में आपको आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी का आपको एक मेल आया होगा। मैं कुछ पिक्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो स्टूडेंट लोगों ने ही प्रोवाइड की है। तो दोस्तों ये जो आया हुआ था, ये मॉक टेस्ट के लिए आया हुआ था। अब स्टूडेंट का कहना है कि सर एग्ज़ाम के लिए कौन सा होगा, तो दोस्तों ये ही एग्ज़ाम के लिए भी होने वाला है। इस पे जो लिंक दिया है उसे क्लिक करके आपको यही यूज़र नेम और यही पासवर्ड क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने आपका जो एग्ज़ाम मॉक टेस्ट के एग्ज़ाम जो दिए थे उसका जो इंटरफेस था सेम वही ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको आपके प्रोसेस करके आपको अपने एग्ज़ाम किया भी जो फाइनल है उसका भी एग्ज़ाम वैसे ही देना जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया था। तो दोस्तों आपको यही यूज़र आईडी और पासवर्ड काम आने वाला है जो मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल के तरफ से आपको मॉक टेस्ट के टाइम दिया था। तो आई होप ये डाउट काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था और ये डाउट मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करके उनको भी अवेयर कीजिए इसके रिलेटेड, क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूज है कि मॉक टेस्ट की आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड और एग्ज़ाम का शायद अलग अलग होगा। तो अलग अलग नहीं होने वाला है दोस्तों, सेम ही रहने वाला है। अच्छा, कुछ दोस्त और एक गलती कर रहे हैं, वो गलती क्या कर रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो उन्होंने जब लॉगिन किया था अपना ये पुराना आईडी जो रहता है, आईडी और पासवर्ड, उससे लॉगिन कर रहे हैं, तो उससे नहीं करना है। आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया जो लिंक है, दिया गया यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है, उसे यूज़ करना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।